ये गाड़ी को आप कितने हजार रुपए में छोड़ दीजिएगा, कम से कम डाउन पेमेंट? कम से कम डाउन पेमेंट ईएमआई कितना जाएगा? ईएमआई लगभग अगर 4 साल के लिए बात करें, बताइए कि अगर हमारे वीडियो देखकर कोई आएगा कस्टमर तो उसको क्या डिस्काउंट मिलेगा? तो भाई अगर आपको मैं ये गाड़ी के बारे में बताऊं ना, तो सबसे पहले 5,45,000 सिर्फ और सिर्फ 5,40,000 में अगर ये गाड़ी मिल रहा है तो कहीं से भी कोई गलत नहीं है। आप शहर में चलाकर रोजाना इस गाड़ी से 2,000 रुपए कमा सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू महिंद्रा जीतो प्लस सीएनजी में ये गाड़ी लगी है। अब आज के इस वीडियो में बताएंगे कि इसका सीएनजी का फ्यूल टैंक कितना है, माइलेज क्या देगी, टॉप स्पीड क्या है, और इसके अलावा आप कार्गो बॉडी में कितना सामान रख के काफी आसानी से चल सकते हो, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या स्टेबिलिटी है गाड़ी का, सभी कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वन बाय वन फीचर्स इस गाड़ी का। तो बात करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के ओवरऑल चौड़ाई से। तो यहाँ पे आप इस गाड़ी का चौड़ाई देखोगे तो 1498 mm के आसपास इसकी चौड़ाई मिल जाती है, कहीं ना कहीं आपको 1500 के आसपास इसकी चौड़ाई मिलेगी। फ्रंट में देखोगे तो भाई आनंद मोटर्स का बैजिंग मिलता है यहाँ पे, ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आनंद मोटर्स जालटेगा से, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो करा है। गाड़ी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। फ्रंट में काफी बड़ा विंडशील देखने को मिलता है, बस एक डिमेरिट इसमें सिर्फ वाइपर्स आपको सिंगल मिलता है, इसमें ड्यूअल वाइपर्स नहीं मिलता है। इसके साथ साथ फ्रंट में इसका जो हेडलाइट है ना वो आपको हेलोजन में, इसका फ्रंट में रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन का हेडलाइट मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब में मिलेगा। बाकी फिनिशिंग की बात कर ले तो यहाँ पे मैट ब्लैक के साथ इसका फिनिशिंग मिलता है और यहाँ पे देखोगे तो महिंद्रा का बैजिंग मिलता है। और भाई अभी इस गाड़ी पे ऑफर चला है, स्क्रैच करें और निश्चित उपहार पाए। आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी को खरीदते हो, जैसा कि यहाँ पे ये सारी बैटरी वाली गाड़ी है, किसी भी गाड़ी को खरीदते हो तो आपको कुछ ना कुछ निश्चित उपहार यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो चीज देखने को मिलता है ना स्टीकर, ये रिफ्लेक्टर बेस्ड स्टीकर काफी बेस्ट होता है कमर्शियल सेगमेंट में। इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्टर लाइट का ऑप्शन मिलता है, बट आप एज ए नेसेसरी चाहो तो लगा सकते हो। फ्रंट में आपको यहाँ पे सिंगल टाइप का हॉर्न मिलता है और नीचे में आपको टो वाला मिल जाता है। इसके साथ साथ इफ इट्स मस्ट बी आनंद मोटर्स, यानी आनंद मोटर्स डाल्टनगंज का ये भाई गाड़ी है, यहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं इसकी ओवरऑल लेंथ की। तो यहाँ पे आपको 3876 mm के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको फ्रंट में जीतो प्लस का बैजिंग देखने को मिलेगा क्रोम के ट्रीटमेंट में। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको यहीं पर मिलता है बल्ब में। और बात करते हैं इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की, तो आप यहाँ पे देखोगे 145/R12 के आसपास आपको यहाँ पे फ्रंट के इसके टायर मिलते हैं। और वहीं पे सस्पेंशन की बात कर ले तो फ्रंट में आपको इस गाड़ी में सस्पेंशन मिलता है मैकफर्सन स्ट्रीट का, कॉइल स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग देख रहे हो। इसके साथ साथ बात करते हैं भाई यहाँ पे तो एक स्पेयर व्हील्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी गाड़ी की चेसी की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिंगल में आपको यहाँ पे इसकी चेसी देखने को मिलती है। और ड्राइवर साइड गेट की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक कलर का डोर हैंडल देखने को मिलता है। ओवरवीएम की बात कर ले तो यहाँ पे नॉर्मल सा ओवरवीएम मिलता है, लेकिन जरूरी का बात यह है कि भाई कार्गो बॉडी का क्या लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ पे कार्गो बॉडी की लंबाई की बात करें तो लगभग 8.2 feet की इसकी ओवरऑल लंबाई मिलती है, और चौड़ाई की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 4 feet की चौड़ाई मिलती है यहाँ पे। इसके साथ साथ इसका जो लोड पेलोड कैपेसिटी है वो 715 kg कंपनी के तरह से क्लेरिफाई है कि आप 715 kg इसमें लोड कर सकते हो, लेकिन ड्राइवर हंसी खुशी से 1200 kg के आसपास यानी 1 ton माल इसमें लोड कर लेता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो केबिन एरिया से आपको कुछ विंडोज के ऑप्शन मिलेंगे, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ से कुछ इस टाइप से है। बाकी रियर में बात कर ले तो रियर में आपको देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 देखने को मिलता है, महिंद्रा का बैजिंग मिलता है और यहाँ पे हुक मिलते हैं। बाकी नीचे में आपको बल्ब में इसका लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। रियर की सस्पेंशन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको मिलता है सेमी ट्रेलिंग का आपको रियर में सस्पेंशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंजन सेक्शन की बात कर ले तो भाई इस गाड़ी में 625 cc का इंजन मिलता है, जो कि 4 stroke के साथ पॉजिटिव इंजन का इंजन होता है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 16 hp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है और 38 Nm की इसकी मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ भाई इसका कार्गो बॉडी का लेंथ मैंने बता दिया, फ्यूल आपको सीएनजी में मिलता है, 6 kg की इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। ये गाड़ी का जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो सीएनजी में 6 kg का है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि ये गाड़ी माइलेज कितना में देगी, तो माइलेज कहीं ना कहीं आप ओवरऑल 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको माइलेज देने वाली है। बाकी प्राइस की बात कर ले तो भाई सिर्फ और सिर्फ 5,45,000 रुपए की ये गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है हमारे यहाँ डाल्टनगंज आनंद मोटर्स में। और अभी फेस्टिवल ऑफर में ये गाड़ी पे बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो कैश डिस्काउंट आपको 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ निश्चित उपहार भी मिलता है महिंद्रा की जीतो प्लस पे। बाकी अभी ऑफर डिस्काउंट बहुत सारा कुछ चल रहा है, आप चाहिए तो खरीद सकते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर बात कर ले तो डाउन पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी पे 50,000 के आसपास इसका मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ अभी मैं आपको शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कराता हूं और वो बताएंगे कि इस गाड़ी पे क्या कुछ ऑफर चला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले नित्यानंद जी कैसे हैं? जी सर ठीक है।
ठीक है, ये बताइए कि ये गाड़ी को आप कितने हजार रुपए में छोड़ दीजिएगा, कम से कम डाउन पेमेंट? कम से कम डाउन पेमेंट आपको 70,000 रुपए लग जाएगा। 70,000 रुपए? 50 से 70,000 रुपए तक। और ईएमआई कितना जाएगा? ईएमआई लगभग अगर 4 साल के लिए बात करें तो लगभग ईएमआई 14,000 रुपए आ जाएगा। 14,000 रुपए ईएमआई की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके शोरूम से बहुत सारी गाड़ियों ऐसा ऐसा गया है, ठीक है जी, तो ऑनर का क्या रिव्यू होता है इस गाड़ी पे, जो खरीदते हैं उनका क्या रिस्पांस होता है? ऑनर का रिस्पांस होता है चलाने में बहुत अच्छा चलता है। अच्छा अच्छा। और जर्क महसूस नहीं होता है, सस्पेंशन गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी लोड लेकर चलती है, माइलेज भी बहुत अच्छी है। ये बताइए कि अगर हमारे वीडियो देखकर कोई आएगा कस्टमर तो उसको क्या डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट जो कंपनी देती हो तो डिस्काउंट देंगे ही, ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद जो प्रोसेस है वो करेंगे। अच्छा, वो प्रोसेस वो करिएगा जी। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में बस अभी तक एक ही दिक्कत है, इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग नहीं आया ना। हाँ, पावर स्टीयरिंग नहीं, पावर स्टीयरिंग नहीं है, मैनुअल के साथ आया। इसके साथ आप यहाँ पे अनलॉक करने का ऑप्शन कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, हैंडल मिलता है और यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता है। हाँ, ये जो है पार्किंग लाइट है। अच्छा, ये पार्किंग लाइट है। इसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ स्टीयरिंग की, तो एबीसी एस्केलेटर ब्रेक क्लच आपको मिलता है, मीटर कंसोल आप देखोगे तो ऑडोमीटर मिलता है, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलता है, गियर आपको इसके डैशबोर्ड पे अटैच मिलता है जो कि काफी बेस्ट चीज है, ग्लो बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे IRVM मिलता है, यहाँ पे आपको लाइट मिलता है इस गाड़ी में। विंडशील की बात करें तो कुछ इस टाइप से विंडशील मिलता है, बाकी जगहों का देख सकते हो। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिलेगा, स्टीयरिंग नॉर्मल मिलता है महिंद्रा के ब्रेजिंग के साथ। इसके साथ साथ एक ही चीज आपको इसमें मिलता है, पार्किंग का लाइट मिलता है। सीट की बात करें तो सीट का कुछ ठीक ठाक है, मतलब ऑन एन एवरेज गाड़ी सही है, 5,45,000 में आपको और क्या ही चाहिए। तो ये था भाई गाड़ी, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।